दोस्तों डैन बिल्जेरियन को तो आप जानते ही होंगे, क्या नहीं जानते? दोस्तों इंस्टाग्राम में 33 मिलियन फॉलोअर के साथ शानदार लाइफस्टाइल और वाइल्ड पार्टियों के लिए जाने वाला ये शख्स प्लेबॉय और पोकर प्लेयर और एक बिजनेसमैन है जो 800 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर हम क्या करें, तो सीधे सीधे आपको बता देता हूँ कि बात यह है कि 2014 में इन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें ये लिखते हैं कि मैं शादी के बिल्कुल खिलाफ हूँ, एक लड़की के साथ जिंदगी बिताने का डिसीजन स्मार्ट नहीं होता। और फिर इनके 2015 के पोस्ट में ये लिखते हैं कि शादी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में एक फोटो काफी वायरल हो रही है जो किसी और की नहीं बल्कि खुद डैन बिल्जेरियन और उनके साथ एक लड़की की है जिसमें वो दोनों शादीशुदा लग रहे हैं। लड़की के हाथों में बुके हैं और डैन ब्लैक सूट में है और इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि फाइनली आई डिड इट। और दोस्तों जैसे ही ये पोस्ट इंस्टाग्राम में आया तो ये इंटरनेशनली वायरल हो गया क्योंकि खुद शादी से नफरत करने वाला इंसान जो शादी को जिंदगी बर्बाद करना मानता हो क्या उसका मन बदल गया है। और इसी बात को लेकर सभी अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं, कोई बधाई दे रहा है तो कोई इनको ट्रॉल कर रहा है। आपको बता दें कि डैन ने अभी तक काफी सारी लड़कियों को ट्राई किया है लेकिन कभी भी उनकी रिलेशनशिप ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली और अब उन्होंने शादी की पोस्ट से सभी को हिला दिया है, एकदम चौंका दिया है। हालांकि ये रियल है या फेक इस पर कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है। डैन ने तो पोस्ट में सिर्फ इतना ही लिखा है कि फाइनली आई डिड इट। अब उन्होंने ये बात किस अंदाज में बोली है ये तो वही जानते हैं।